नमस्कार साथियों, सबसे पहले उन सभी दोस्तों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है। चलते हैं दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं सातिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 118 रुपया शो रहा है स्क्रीनर.इन वेबसाइट का नाम है। इस पर इसका मार्केट कैप 1179 करोड़, स्टॉक पी 6.62 का है, ROC 23.4%, ROE 25.4%, बुक वैल्यू 93.2 रुपीज़ और करंट प्राइस 118 रुपया है, यानी कि 118 रुपीज़। अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर प्राइस, यानी कि ये शेयर 52 वीक का हाई लो है 155 रुपया और 100 रुपया, यानी कि अपने 52 वीक के लो के नज़दीक में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.85%, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। ये शेयर का कामकाज क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। ये 1980 में निगमित सातिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड या सतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेखन और मुद्रण कागज, कृषि और बिजली के सह उत्पादन के व्यवसाय में है। इसका मुख्य कार्य समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 1 ईयर का प्राइस चार्ट। ये प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें अब ट्रेंड बनना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं जून 2024 का क्वार्टर का रिजल्ट, जिसमें कि सेल्स 399 करोड़ का, एक्सपेंस 289 करोड़ का। सेल्स और एक्सपेंस दोनों मार्च 2024 के क्वार्टर जो समाप्त हुआ था उसके अपेक्षा कम हुई है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 111 करोड़ का हुआ और डिप्रिसिएशन भी है 39 करोड़ का। इंटरेस्ट भी 7 करोड़ का पेड किया, अदर इनकम 4 करोड़ का है। अदर इनकम ना के बराबर है, फिर भी नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का किया, जिसके वजह से EPS 5 रुपया 11 पैसा। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेल्स है 1639 करोड़ का, एक्सपेंस 1269 करोड़ का। टोटल काट छाट करके नेट प्रॉफिट जो है 178 करोड़ का, EPS 17 रुपया 80 पैसा। अब चलते हैं बैलेंस शीट को देखते हैं। मार्च 2024 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ का, जो कि सेम है पिछले 2013 तक में। रिजर्व इसके पास में 922 करोड़ का है, जो कि ये बढ़ते क्रम में अभी हो चुका है। मार्च 2013 में वही 62 करोड़ का मात्र रिजर्व था इसके पास में, जबकि ब्रोइंग 82 करोड़ का था, जो कि अभी 319 करोड़ का हो चुका है। ब्रोइंग में भी वृद्धि हुई है, लेकिन मार्च 2023 की अपेक्षा कमी आई है। अदर लाइबिलिटीज 153 करोड़ का है। फिक्स एसेट 855 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, यानी कि कुछ भी नहीं है, जीरो है। अदर एसेट 533 करोड़ का। टोटल एसेट जो है 1404 करोड़ का हो चुका है, तो इसका बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो जैसा कि जून 2024 के अनुसार इस वेबसाइट पर दिख रहा है, प्रमोटर के पास में 52.46% का है, FIH 2.85% का अपना लेवल बनाए हुए है, और DIH के पास में कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास में 44.68%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 58,055 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि 58,055 आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है, यानी कि उतना आदमियों का इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में, इस स्टॉक में।
इस स्टॉक में लास्ट अपडेट न्यूज अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन, तो इससे संबंधित न्यूज है जो कि 13 सितंबर का है और मीटिंग कब होने वाला था तो 20/9/2024 यानी कि मीटिंग समाप्त हो चुका है। यह जो न्यूज है वो आप देख सकते हैं विस्तार पूर्वक, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। डेट 20/9/2024, पार्टिकुलर्स स्पार्क्स एसेट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वन ऑन वन, मोड वर्चुअल में है और टाइम 11:30 AM पर था। ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है मेरे आइडिया अनुसार। ये अगले कुछ दिनों के अंदर में इस स्टॉक का प्राइस लेवल हो सकता है कि 150 को टच करे। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब एक झलक BSEIndia.com वेबसाइट पर देखते हैं इसका शेयर प्राइस, तो 117.80 रुपया प्लस 2.35 यानी कि प्लस में 2.04% का वृद्धि हुई है। 23 सितंबर 2024 लास्ट 1600 बजे का अपडेट है। अनाउंसमेंट में कोई भी डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है। एक खास बात है, डिलीवरी पोजीशन 23 सितंबर 2024 1600 बजे का अपडेट है। क्वांटिटी ट्रेडेड 28,602, डिलीवरी में उठाया गया 18,311 जो कि परसेंटेज रहा काफ़ी अच्छा 64.02%। अब जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वेबसाइट का नाम है NSEIndia.com वेबसाइट का नाम, इस पर शेयर प्राइस 117.94 रुपया शो हो रहा है। यहाँ पर जो है डिलीवरी परसेंटेज 55.78% का है, ये भी 50 से ऊपर में है डिलीवरी परसेंटेज, तो काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक के लिए। ओवरऑल लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये स्टॉक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।